हमारा बांध भी टूट गया है। तुम दोनों में से हमारे को कोई बताएगा कि कल शादी टालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? आप परेशान मत हो। ये बात करे तो संस्था कैसे परेशान हो, जो शादी ना होनी चाहिए। बस हम सबको कल सच बता देंगे। तुम्हारा मकसद? मॉम इसे मकसद वकसद कुछ याद नहीं। स्वरा के बाबा पहले ही इसे इतना गलत समझते हैं, और अब जब ये सबको सच बताएगी तो रागिनी की छोटी जिंदगी सच में बदल जाएगी और मेरा सच हमेशा के लिए छूट जाएगा। पर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। स्वरा, थारे लेना मारे को बहुत बुरा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है कि थारी सच्चाई की जंग इस तरह से खत्म हो रही है। पर तुम दोनों ना बिल्कुल परेशान ना होना। अगर बीच में ना मारे को कुछ भी सूझा ना, तो मैं तुम दोनों की मदद ना जरूर करूंगी। सर्विस्टा जी दिखाई ना दे रही? मॉम वो आंटी वॉशरूम में है, लेकिन पहले से बेटर फील कर रही है। चलो मैं चलती हूँ, कुछ सोचती हूँ जल्दी से। हाँ बांध भी टूट गया है। तुम दोनों में से हमारे को कोई बताएगा कि कल शादी टालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? आप परेशान मत हो। ये बात करे तो संस्था कैसे परेशान हो, जो शादी ना होनी चाहिए। बस हम सबको कल सच बता देंगे। तुम्हारा मकसद? मॉम इसे मकसद वकसद कुछ याद नहीं। स्वरा के बाबा पहले ही इसे इतना गलत समझते हैं, और अब जब ये सबको सच बताएगी तो रागिनी की छोटी जिंदगी सच में बदल जाएगी और मेरा सच हमेशा के लिए छूट जाएगा। पर मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। स्वरा, थारे लेना मारे को बहुत बुरा लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है कि थारी सच्चाई की जंग इस तरह से खत्म हो रही। पर तुम दोनों ना बिल्कुल परेशान ना होना। अगर बीच में ना मारे को कुछ भी सूझा ना, तो मैं तुम दोनों की मदद ना जरूर करूंगी। सर्विस्टा जी दिखाई ना दे रही? मॉम वो आंटी वॉशरूम में है, लेकिन पहले से बेटर फील कर रही है। चलो मैं चलती हूँ, कुछ सोचती हूँ जल्दी से। अगर मैं मॉम को बता देता तो वो टेंशन में आके सबको जाके बता देती। कैसे? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। तुम अक्सर कुछ बातें नहीं बोलते। मैं तुम्हारी आंखें पढ़ के सब समझ जाती। एनीवेज, मैंने सोच लिया है, बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। अब सच के रास्ते पर चलकर ही सच को सामने लाऊंगी। लक्ष्य का है। हमारी गाड़ी रोड के उस पार खड़ी है, ये चाबी लो और निकलो।
डब्बे गिन लिए ना? ध्यान से, हाँ लड्डू है, इन सबको फ्रिज के पास रख देना, ठीक है, सजा के। पर इनका लेके जाओ जी। हाँ देख लिया ना आपने, सब मिठाई ठीक है कि नहीं? आपके लिए वरमाला लाए। सुनो रागिनी, बेटा तुम स्वरा की मेहंदी लगाना चाहती थी ना? जी हाँ, तो जाके बुला के ले आओ और रस्म शुरू कर दो। देखो मेहंदी को सूखने में वक्त लगेगा, है ना, जाओ बुला लो। जी माँ। संस्कार स्वरा कहाँ है? हम भी कैसे भुलक्कड़ है माँ, हम भूल गए कि स्वरा माँ को डॉक्टर के पास लेके गई है। डॉक्टर के पास गई है, बता के तो जाना चाहिए ना। अच्छा कोई बात नहीं, जब वो आ जाए तो लगा देना, ठीक है, शुरू कर देना मतलब। जी माँ। मैं आती हूँ। स्वरा कहाँ है संस्कार? अगर वो माँ को ढूंढने गई है तो उसे बोल दीजिए कि उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसे माँ नहीं मिलेगी। आप लक्ष्य को छोड़ दीजिए और स्वरा को कहिए कि शादी के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप भी स्वरा को अपनी दुल्हन के रूप में देखने के लिए बड़े बेताब हो रहे होंगे। रागिनी बेटा जरा इधर आना। हाँ माँ। स्वरा भाग गई के बोलना, यही प्लान है ना थारा? देख अगर ये प्लान है ना तो बहुत बढ़िया प्लान है, इस बार तो लोगों को यकीन भी हो जाएगा कि हाँ स्वरा को तो आ जाते हैं मंडप से भागने की, बढ़िया है। आप मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ेंगी? क्या हो गया, क्यों छोड़ दो अकेला, तो इतना परेशान क्यों है, बोल। मामू कहीं गई होगी, वापस आ जाएगी। और शादी? ये शादी नहीं होगी मोम, आप खुश। मैं जाऊं, मुझे रागिनी पर नजर रखनी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब कौन सा ड्रामा है तुम्हारा? अब कौन सी प्लानिंग चल रही है तुम्हारे दिमाग में? मैं जानती हूँ लक्ष्य कि तुम्हें मेरी बात पर कोई भी भरोसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं हर वक्त कोई प्लानिंग करती हूँ, तो ठीक है, आज मैं तुमसे कहती हूँ कि सच्चाई तुम खुद ढूंढो। मैं किसी भी इंसान का नाम नहीं लूंगी, मैं सिर्फ एक कहानी सुनाऊंगी, एक ऐसी कहानी जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। उस पर भरोसा करना नहीं करना तुम्हारी मर्जी। लक्ष्य, ये वही जगह है जहां हमारी किस्मत ने हम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया, जहां हमारी जिंदगियों ने ऐसी करवट बदली कि सब कुछ बिखर गया। चार कदम मैं चलकर आगे आई हूं, चार कदम तुम्हें चलने होंगे। लक्ष्य, तुम्हें मैंने और संस्कार ने किडनैप करवाया है। उम्मीद थी कि ऐसा करने से सारा सच बाहर आ जाएगा, पर नहीं, सब कुछ बिखर गया। इसलिए मेरे पास यहाँ आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। स्टॉप इट स्वरा, जस्ट स्टॉप इट। बहुत सुन लिया तुम्हारा सच और बहुत जान ली तुम्हारी सच्चाई, तक गया मैं सुन सुन के। वो मंदिर देख रहे हो तुम? वहां मैं हमारी शादी वाले दिन पूजा करने आई थी। स्वरा ये बात तुम पहले भी बता चुकी हो। प्लीज लक्ष्य, आज बोलने दो मुझे। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि मारवाड़ियों में एक रस्म होती है कि शादी की सुबह लड़कियां उस मंदिर में पूजा करने जाती है। मैं भी गई थी लक्ष्य,
मैंने भी पूजा की थी। पूजा के बाद पंडित जी ने मुझे फूल दिए थे, कहा कि नदी में समर्पित कर दूं। मैं आई, प्रार्थना की अपने लिए, तुम्हारे लिए, हमारी आने वाली खुशहाल जिंदगी के लिए। तुम मेरा पहला प्यार थे लक्ष्य। तुमसे मैंने बहुत प्यार किया था, पर शायद किस्मत को वो मंजूर ही नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के लिए शायद बने ही नहीं थे लक्ष्य। मेरी विशेष ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। मैं इस नदी में नहीं गिरना चाहती थी, फिर भी गिरी। मेरे जाते ही मेरे माँ और बाबा अलग हो गए। मैं उन्हें एक करना चाहती हूँ, और कोई मकसद नहीं है मेरा। तो फिर उस रात जब संस्कार ने रागिनी पर इल्जाम लगाया था, और तुमने क्या किया? हाँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ लक्ष्य, किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रही हूँ कि हमारी शादी वाले दिन मेरे साथ एक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से मैं वक्त पर नहीं पहुंच पाई थी। भागी नहीं थी, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी पर इल्जाम लगाए मैंने तुम्हें पूरा सच बता दिया है। उम्मीद करती हूं कि अब शायद तुम मुझ पर यकीन करोगे कि मैं अपनी शादी से भाग नहीं गई थी। ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था मैंने। बाकी का सच ढूंढना तुम्हारे हाथ में है लक्ष्य। मेरे माँ बाबा का रिश्ता, हम सबकी जिंदगियां, सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम मेरे परिवार के लिए इतना करोगे? इस बारे में सोचना जरूर लक्ष्य। कल सुबह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया है तो उस प्यार का वास्ता है तुम्हें सच पता करने की। एक बार कोशिश जरूर करना। अगर तुम्हें सच पता चल गया ना, तो मेरे माँ और बाबा एक हो जाएंगे। And I promise, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फिर तुम और रागिनी अपनी जिंदगी की फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हो। और अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है, then I promise, कल सुबह मैं खुद जाकर अपने और संस्कार की शादी का सच सबको बताऊंगी। और उसके बाद सब कुछ बिखर जाएगा, मेरे माँ और बाबा का रिश्ता टूट जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। वो रिश्ता जिसे जोड़ने के लिए हमने बहुत कोशिशें की थी लक्ष्य, जिसकी वजह से हम दोनों एक हुए थे, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। मेरी आंखों में देखो लक्ष्य, तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं? अब तुम बच के कहीं नहीं जा सकती रागिनी।
कब से तुम पर नजर रख रहा था। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम कुछ नहीं छुपा सकती रागिनी। बताओ आंटी कहाँ है, कहाँ छुपाया आंटी को? आंटी, 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 क्या हुआ संस्कार? माँ मिली? चाहो तो और भी ढूंढ सकते हो। आंटी कहाँ है रागिनी? बताओ आंटी कहाँ है? माँ सुरक्षित है, सही सलामत है। संस्कार शायद आप भूल रहे हैं, लेकिन वो हमारी भी माँ है। हम उनको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच तक नहीं सकते। अगर स्वरा ने अपना झूठ जल्द से जल्द नहीं माना तो अच्छा नहीं होगा। रागिनी, क्या हुआ? हमारा गला दबाने का मन कर रहा है? तो दबाइए ना हमारा गला, दबाइए ना। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अगर ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत की ना तो हम इतना बड़ा तमाशा कर देंगे कि आप अपने आप को बचा भी नहीं पाओगे। इसलिए आइंदा हम पर या हमारे लक्ष्य पर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत। और ये बात आप स्वरा को भी बता दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। रागिनी, अगर आंटी को कुछ हुआ तो? तो संस्कार आप कैसे समझ नहीं पा रहे? आप भी तो अपने प्यार के लिए दुनिया से लड़ बैठ रहे हैं। अब तुम मुझे समझाओगी रागिनी? मैं कम से कम सच के साथ हूँ और हम अपने पति का साथ पाने के लिए ये सब कर रहे हैं। कल सुबह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उम्मीद है कि तुम जरूर आओगे लक्ष्य। प्लीज भगवान जी सब सही कर दो, माँ को कुछ मत होने देना। और प्लीज प्लीज लक्ष्य को सच ढूंढने में मदद करना। मैं माँ बाबा को अलग होते हुए नहीं देख सकती, उन्हें वापस एक कर दो ना प्लीज। नहीं स्वरा, मुझे आज भी तुम्हारी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम हर बात झूठ बोलती हो और आज भी वही कर रही हो। अरे अगर भगवान भी अगर तुम्हारे लिए गवाही देंगे ना तो भी मैं उनकी बात पर यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम बहुत बड़ी झूठी हो। तुम्हारे आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला स्वरा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें शादी करनी ही नहीं थी। और आज अपनी मर्जी को उस हादसे का नाम दे रही हो। और हाँ, मैं कल कुछ नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं तो देखना चाहता हूं कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है स्वरा कि तुम शादी पर भी बैठ जाओ। I hate you, Swara! I hate you!